जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। वहीं आपको बताते चले, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद व प्रमुख अभियंता सिंचाई अशोक कुमार सिंह के साथ जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, विधायक महसी सुरेश्वर सिंह, प्यागपुर के सुभाष त्रिपाठी, बलहा की श्रीमती सरोज सोनकर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों तथा जिले के अधिकारियों के साथ जिले में बाढ़ की स्थिति तथा जिला प्रशासन द्वारा संचालित राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया। सभी पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए तथा युद्ध स्तर पर जिले में राहत व बचाव कार्य संचालित किए जाए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि राहत व बचाव कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आई। वही डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश है, सभी पीड़ितों को त्वरित राहत पहुंचाई जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करें तथा बचाव व राहत जनप्रतिनिधियों को भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो। डॉक्टर सिंह ने जनपद में त्वरित व प्रभावी ढंग से राहत व बचाव कार्य संचालित करने के लिए डीएम सहित सभी संबंधित अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर सिंह ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि बिना किसी भेदभाव के बाढ़ के कारण हुई क्षति का आकलन कर प्रभावित परिवारों व कृषकों समय से राहत पहुंचाई जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मानवों के साथ साथ पशुओं के चारे पानी उपचार व आवास के बंदोबस्त किए जाए। आपदा के कारण आम जनमानस की परिसंपत्तियों की क्षति का आकलन भी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराया जाए और संबंधित को समय से राहत उपलब्ध कराई जाए। वही ग्रामवासियों के लिए प्रकाश की भी उचित व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद, पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह, सीडीओ कविता मीना, एडीएम मनोज आदि लोग उपस्थित। एक बार में बात करिए, हमको देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मैं आज लखीमपुर था, सीतापुर था और बहराइच अभी आया हूँ। बहराइच का मैंने हवाई सर्वे किया है, लगभग 125-30 गांव उसमें प्रभावित हैं, 3 तहसीलें प्रभावित हैं। हमारे सरयू में 7 लाख क्यूसिक पानी आने के कारण से बहुत सारे गाँव में पानी चला गया है, जिसके कारण से लोगों की फसल भी नष्ट हुई है और कुछ मकान भी गिरे हैं। हम सब लोगों ने यहाँ पर तय किया है कि भोजन का पैकेट वितरण, राशन किट का वितरण और जिनके मकान गिर गए हैं उनको मकान का मुआवजा और फसल जिनकी नष्ट हुई है, जैसे ही पानी घटेगा उसका आकलन करके उसका भी मुआवजा त्वरित गति से दिया जाएगा। हमारे राहत आयुक्त भी साथ में आए हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, सभी जिला प्रशासन और जिला अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है कि तीव्र गति से जिसकी जो क्षति हुई है उसका तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने समीक्षा किया है, जो लोग प्रभावित हैं उनके सब तक भोजन का पैकेट और दवाइयों का किट और इसके साथ पशुओं का चारा और उन गांवों में प्रकाश की व्यवस्था, इन सब चीज़ों को त्वरित गति से करेंगे। NDRF की टीम लगी है, PAC की टीम लगी है, गोताखोर लगे हैं, बोट भी लगी हुई है, तेजी से पानी भी घट रहा है। हमको लगता है कि 2-3 दिन के अंदर स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन जिसका जो नुकसान हुआ है उनकी सबकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कहना और आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बहराइच की जनता को एकदम परेशान होने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा है। हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, हमारे यहाँ के मंत्री, सब लोग मिल करके हम सब लोग जनता जनार्दन की सेवा में तत्पर रहेंगे। अखंड भारत न्यूज के लिए कमालुद्दीन मलिक की रिपोर्ट, चरदा चमोक, बहराइच।